नमस्कार दोस्तों, अगर आप बागवानी का शौक़ रखते हैं तो देखिए इस तरह की चीज़ें आपको अक्सर घर में मिलती रहती होंगी जब आप प्रूनिंग वगैरह करते हैं अपने गार्डन में। ये देखिए, ये एक फूलों की बेल थी, उसकी ये टहनी सूख गई है। ये भी ऐसे ही एक आईवी जो क्रीपर है उसका एक पोर्शन है। और ये देखिए, ये गमला था एक जो 4-5 साल इसकी मिट्टी चेंज नहीं करी थी, तो उसको जब निकाला तो इस तरह का निकला। ये तकरीबन पूरा 10-11 इंच का गमला था। तो ये जड़ें देखिए इसने कैसी शेप ले ली हैं। इसी को आज बेस मान के हम आगे इसका कुछ लैम्प शेड बनाने जा रहे हैं। उसके लिए ये देखिए एक होल्डर और ये कुछ सीरीज इस्तेमाल करेंगे हम। तो और एक चीज़ यूज़ करिए इसमें, ये जो लकड़ी घर के कंस्ट्रक्शन के टाइम की बची पड़ी थी उसको भी इस्तेमाल किया है। ये तकरीबन 8 फुट का लंबा पीस है, ये 8-9 इंच चौड़ा है, इसको भी साथ ही इस्तेमाल किया, अभी देखेंगे। तो सबसे पहले सीढ़ी में हम होल करने हैं हमने इसके लिए। तो इसके लिए अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे प्लायर से आप किसी भी कील को गैस के ऊपर गर्म करके, जब जैसे ही वो रेड बड़ी जल्दी हॉट हो जाएगा तो सीढ़ीज़ के साथ आराम से आप कुछ होल इसमें करेंगे, 6 के करीब 6 होल करेंगे इसके साथ साथ। ये देखिए इस तरह बड़े आराम से जब गर्म होता है तो इसमें होल हो जाते हैं। थोड़ा सा इस सावधानी के साथ कीजिएगा गैस के साथ। तो ये देखिए इस तरह ये इसके 6 होल्स हो हुए हैं। तो इसके लिए आप बाइंडिंग वायर लेंगे, तकरीबन 7-8 इंच लंबा पीस। तो जो एडजेसेंट होल्स हैं उनमें से ये एक तार को पहले एक तरफ से निकालेंगे, फिर उसके दूसरे साइड से निकाल के आगे की तरफ में इसके एक साइड में से वो 3-4 इंच का जो 3 पोर्शन रह जाएगा इस तरह बाहर निकाल लेंगे। इस तरह के देखिए तीनों तारों को इस तरह निकालेंगे ताकि आपके 6 सिरे ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए बन जाएंगे। तो इसको अब इसको कवर करना है बेसिकली। इसका ये देखिए होल काफ़ी बड़ा है, इसको कवर करने के लिए ये देखिए जो तार वाला सिरा है इसको इस तरह बेस के अंदर में ऐसे पुश करेंगे ताकि वो जो तारे हैं उसकी जो जड़ों के बाहर निकल जाएँ। उसके बाद उनको मोड़ करके वापस में, क्योंकि ये बाइंडिंग वायर बहुत आराम से मुड़ जाता है, ये देखिए इस तरह मोड़ करके सीढ़ी के वापस नीचे उसको बांध देंगे ताकि सीढ़ी इसकी ऊपर के साथ में टाइट हो जाए। इसका पर्पज़ यही है, इसको होल को एक तो छोटा करना है और उसको होल्डर को उसका, क्योंकि जो वेट आएगा इसके ऊपर आएगा। ये देखिए इस तरह अगर आप होल्डर बाद में डालेंगे तो आप होल्डर आराम से ऐसे लटका सकते हैं, बस यही इसका पर्पज़ है। अगर आपके पास कोई प्लाई का टुकड़ा पड़ा है इस तरह का गोल का, या कुछ इस तरह की कोई भी और सख्त चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ये जो यूज़ क्या करना है, आपने किसके ऊपर लगानी है, आप इस तरह का अगर पोर्शन है तो आप इसको, जैसे ये देखिए छत के साथ लगा था तो ये पूरा 90 डिग्री मुड़ गया था, अब काफ़ी हार्ड हो गया था, पूरा वेट ले लेगा ये। तो इसको इस तरह आप लगा सकते हैं साइड में कुछ दीवार के साथ लगा के, इस तरह इसको ऐसे लटका के, या आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा अगर आपको लंबा चाहिए आप जगह के हिसाब से। मुझे देखिए ये शेप ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी तो मैंने ये किया, साइड में ऐसे फट्टा लगाने के बाद में इस तरह यहाँ पे इसका ये इसको लटकाएंगे, ये जो हमारा लैम्प शेड बन रहा है उसके लिए ये देखिए इसके ऊपर में लगाएंगे। एक साइड इसकी फट्टे की ज़मीन पर रहेगी ताकि वेट इसका सारा उसके ऊपर आए, और जो एक साइड से ऊपर की तरफ में ये जो अभी जो मुड़ी हुई है ये देखिए इस तरह ये लगेगी, थोड़ा सा उसके ऊपर से निकाला है। तो इसके लिए देखिए ये कुछ दो जगह पे जैसे ये टच कर रही है तो वहीं पे ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इसमें छोटा सा मैंने होल कर लिया है पहले। इसमें आप किसी पतले स्क्रू ड्राइवर से या ड्रिल से कर सकते हैं, और ये स्क्रू के साथ इसको बेसिकली अटैच करना है इसमें सेंटर में तकरीबन ले करके, इस तरह स्क्रू लगा करके आप इसको टाइट कर दीजिए ताकि ये नीचे वाला जो फटा है उसके बीच में चला जाए। तो बहुत ज़्यादा लंबा स्क्रू मत लीजिए क्योंकि फटे के दूसरी ओर निकल आएगा, फिर आपको आरी से काटना पड़ेगा। तो स्क्रू की जो लेंथ है आप अपने उसके हिसाब से जो आप इस्तेमाल करें टहनी या जो भी इस्तेमाल करें, और फटे की जो उसकी मोटाई है उसके हिसाब से यूज़ कर लीजिए। ये देखिए दूसरी जगह जहाँ टच कर रहा है वहाँ भी ये देखिए साथ में उसको टाइट कर दीजिए ताकि ये दोनों अच्छे से होल्ड हो जाए इसके साथ में, तो और ताकि उसका वेट आ जाए। ये देखिए इस तरह आपको नज़र भी आ रहा होगा जहाँ दो जगह पर टच किए वहाँ पर स्क्रू लगा है, और ये इस तरह ये जो इसका बाइंडिंग वायर का एक यू क्लैंप बना करके आप नीचे में जो उसके बाहर सीढ़ी के आसपास करके इस तरह आप इसको लटका देंगे तो ये आपका लगभग ये आपका लैम्प शेड देखिए बड़ी आसानी से तैयार हो गया इस तरह। अब देखिए इसके बीच में हमने लैंप लगाना है, उसके लिए जो होल्डर लगाया हुआ था उसके नीचे में होल्डर के साथ में एक नॉट लगा के ताकि तार के ऊपर खींचना पड़े, वायर को सीढ़ी के बीच में से आप निकालते रहिए इस तरह धीरे धीरे। वायर की लेंथ उस हिसाब से देखिए, ये क्योंकि ये पूरी इसके जो लकड़ी है उसके साथ घूमेगी और फट्टे के साथ नीचे जाएगी, और वहाँ से आपका जितना पावर का जो पॉइंट है जितना है उतना पहले अंदाजे से देख लीजिए, उतनी लंबी तार आप रखिए। तो
तो ये देखिए इस तरह आप होल्डर नीचे में जब नॉट के साथ ऊपर सीडी के साथ फंस जाएगा तो यहाँ पे आप हाथ रख के ये बाइंडिंग वायर से इसको आप एक बार टाइट कर दीजिए इस तरह। ये देखिए ये इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है ताकि वो कट ना जाए वायर, बस जस्ट इसको होल्ड करने के लिए ताकि उसका वेट भी उसके साथ में आ जाए। तो ये जो वायर है इसमें ये साथ देखिए इसके बल्ब इस तरह आप लगा देंगे इस तरह, तो ये आपका लैम्प शेड इस तरह तैयार होगा। ये देखिए आप चूड़ी वाला या जिस तरह हम पिन वाला होल्डर कोई भी यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से पहले डिसाइड कर लीजिए। तो ये जो वायर है इसके साथ साथ बिल्कुल चलेगी ताकि सामने से दिखे ना ये वायर, ये इसके साथ साथ ही चलाएंगे इसको करने के लिए। ये देखिए बाइंडिंग वायर इस तरह आप साथ साथ लगाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, दो दो तीन तीन चार चार इंच पर आप अच्छे से इसको बाद में लगा करके ये देखिए इस तरह पूरी घुमा करके, और फट्टे के बीच में यहाँ पर एक आपने होल करना है ताकि उसके बीच में से तार निकल जाए यहाँ से, ताकि वो दिखने में क्योंकि थोड़ा और लगेगा वो तार, कोशिश ये करनी भी तार दिखे ना। तो ये देखिए इस तरह ये तार इसकी होल किया हुआ है फट्टे के बीच में, इस तरह आप निकाल लीजिए। तो बाद में उसके आगे में एक प्लग लगा करके तो उसमें आप शू में उसमें साथ में लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह दो होल इसके यहाँ पर भी आप करने, एक डेढ़ इंच छोड़ करके उसको हम दीवार के साथ लगाएंगे। तो ये बस आपका ये देखिए तैयार हो गया है आपका लैम्प शेड। अब देखते हैं कैसे लगाना है। तो जहाँ पे देखिए आपने लगाना है वो जगह पे आप जहाँ पे हमने साइड में जो फटे के जो देखिए दो होल किए थे यहाँ पे, उसके साथ में उसी हाइट के बराबर में आप एक कील लगा लीजिए दीवार के ऊपर, उसके ऊपर बाइंडिंग वायर फिर वही तकरीबन एक फुट की बाइंडिंग वायर लगा करके इस तरह टाइट बांध दीजिए छः छः इंच का छोड़ के। तो ये जो दो होल्स थे तो दोनों होल्स के बीच में से ये दोनों तरफ से तार देखिए निकालेंगे, ये जो दो होल किए हुए थे एक तार एक साइड से और दूसरी तार दूसरी साइड से निकालेंगे। इसका पर्पस सिर्फ यही है भी ये जो क्योंकि वेट तो इसका जो फट्टे का नीचे ज़मीन से टच करेगा वहीं पे जाएगा, ये आगे की ओर ना गिरे इसका पर्पस यही है। आप किसी स्क्रू से पक्का भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आप लगाएंगे तो आपको कभी उतार के कहीं और जगह लगाना हो तो उसमें भी थोड़ा आसानी रहेगी। तो इसीलिए इस तरह का इसमें आप कह सकते हैं भी एक प्रोविज़न हमने किया है इसको दीवार के साथ लगाने के लिए। देखिए इसको थोड़ा खींच लीजिए, और बाइंडिंग वायर बहुत फ्लेक्सिबल रहती है, बड़े काम की चीज़ रहती है। आपके घर में नहीं पड़ी तो ला करके ज़रूर रखिए। इस तरह आपको बेंड करके ये हल्का सा इसको उठा करके इसके पीछे में इसको ऐसे दबा करके छोड़ दीजिए, तो ये आपका अच्छे से फिक्स हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा ये। ये देखिए इस तरह इसको थोड़ा सा दबा दीजिए, बस ये आपका ये देखिए फिक्स हो गया। और अब ये इधर से देखेंगे तो आपकी वायर मैंने क्योंकि इधर से पीछे की ओर छुपाई, अगर आप सामने देखना है आपने तो थोड़े अंदर की तरफ चलेगी ये। अब आपने जो वायर देखी आपको दिख नहीं रही है, तो नीचे से ये आपका ये प्लग लगाने के बाद में आप ये इसको देखिए करिए तो ऑन, तो इस तरह आपका मनपसंद जगह पर आप लगा सकते हैं। अब ये नीचे की जगह थोड़ी खाली लग रही है, थोड़ा मेरे को थोड़ा आउट लग रही है, इसके लिए फिर ये लकड़ी ऐसे बची पड़ी थी जैसे चौखट की लकड़ी थी ये बची थी, इस साइज़ का चौड़ाई भी तकरीबन इसके बराबर है। तो इसको सामने ये तकरीबन एक सवा फुट का पीस है, इसको सामने में लगा देंगे। अब इसके ऊपर फिर अगर आप कुछ रखना चाहें तो ये देखिए पिछले एपिसोड में भी दिखाया था ये इस तरह का ये घड़ा टूटा हुआ था, उसको POP के साथ इसके ऊपर लगाने के बाद में ये फ्लावर्स वगैरह रखे हुए हैं तो ये रख सकते हैं। आप किसी और तरीके का भी इसमें फूलदान लंबा भी रख सकते हैं, आप नेचुरल मनी प्लांट भी रख सकते हैं थोड़ा ऊपर करके, ये वहाँ पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए इस तरह ये सारा तैयार हो गया। अब इसको और थोड़ा सा कुछ ऐड करने के लिए इसमें कुछ एलिमेंट, ये देखिए एक नॉर्मल छोटी सी एक आर्टिफिशियल ये बर्ड है, ये आपको आराम से स्टेशनरी की शॉप से 5-10 रुपये की मिल जाती है। तो इसके नीचे में तो तारें रहती हैं, तो इसको इस तरह की ये जो बेंड करी हुई लकड़ी उसके साथ में ऐसे टाइट करके बांध देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो कोई बर्ड आके इसके ऊपर बैठा है। आप अपने हिसाब से इसको कहीं भी इसको फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह आप दिखने में तो आपका ये लैम्प शेड फाइनली तैयार हो गया। इसको आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कुछ और भी इसके बीच में कुछ कोई और टॉय कोई सॉफ्ट टॉय कोई छोटा सा किसी तरीके का रख सकते हैं। तो ये था बेसिकली जो कोर आइडिया किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या कोई भी ऐसा काम करना है, पहले सबसे पहले एक एलिमेंट होता है तो उसमें साथ में ये देखिए और एलिमेंट साथ में जुड़ते गए तो ये कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए। तो उम्मीद है आपको ये आज का ये पसंद आया होगा। तो देखते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। मिलेंगे अगली बार।